वो सबको खुश रखने के चक्कर में खुद को भूल बैठी है। और अगर वो अपने बारे में नहीं सोचती तो हमें सोचना चाहिए उसके बारे में। आंटी, मैं अब भी उसका बहुत ख्याल कर सकता हूँ, जितना पहले करता था उससे कहीं ज्यादा। आप मेरा यकीन कीजिए। चलो उठो, जा रहे यहाँ से। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। अरे कोई तबीयत खराब नहीं है, ड्रामेबाजी कर रही है। जब उसे भेजना था तब इसकी तबीयत ठीक हो गई थी। मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि मेरी इजाजत के बगैर इससे क्यों उसे भेजा। आपको पता है शहजादी का, मेरा मतलब है कि हम यहाँ थे नहीं तो मुझे उसके घर का नहीं पता। आप मुझे बता सकते ना कि वो कहाँ है? तुम्हारे इस तरह से आना मेरी मुश्किल खड़ी कर सकता है। क्यों, मैं तो यहाँ इसीलिए आया हूँ कि तुम्हें मुश्किल से निकालूं। क्यों आया हूँ बताओ। हर्ष, तुम्हें देखना है, तुमसे बात करना है। अब इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है। जिंदगी में सब कुछ फायदे के लिए नहीं है। शायद नहीं, नहीं, मैं बस चाय पीकर यहाँ से चला जाऊंगा। बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ की चाय। सामान खत्म है चाय का, नहीं पिला सकते।
नहीं नहीं मैं बस चाय पीकर यहाँ से चला जाऊंगा। बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ की चाय नहीं। मासो, अहद अंकल आए हैं। ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए नहीं लाया। किसके लिए लाया? अपने लिए। दिल की खुशी के लिए बस मुझे लगा कि मुझे ये सब कुछ करना चाहिए तुम्हें। वैसे भी तुम तो सबकी खुशी के लिए कितना सब कुछ करती हो। मेरी खुशी के लिए हक तो दोगी ना? नहीं आहत, अब अगर एक दूसरे पर हक रखा तो मुझसे मेरा फर्ज अदा नहीं होगा। मैंने प्यार और फर्ज में सिर्फ फर्ज को चुना था। तुम्हें धोखा दिया है मैंने। से थोड़ी तो नफरत करो, कम से कम इतनी तो नफरत बनती है कि तुम मेरा चेहरा ना देखो, मुझे बुरा भला कहो, बेवफा कहो, कुछ कुछ ऐसा करो कि okay. पुरानी बातों को भुलाने का कोई जवाब मेरे पास भी आ जाए। मैं अपने आप से कह सकूं कि तुम्हारी असलियत तुमसे अलग होने के बाद मुझ पर खुली। मैं भी ये सोच सकूं कि तुम बुरे इंसान थे, मेरे काबिल नहीं थे। इस तरह से तुम मेरे सामने आके खड़े हो जाते, मैं तो शर्म से आधी भी नहीं रहती। खुदा का वास्ता मेरे सामने मत आया करो। दोबारा तुमसे नहीं मिलूंगा। ऐसा होगा नहीं, मुझसे भी नहीं हुआ। जब मैं खुद को नहीं रोक सका तो तुम कैसे रोकोगे? बहुत मुश्किल होता है मोहब्बत को अपनाना, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल होता है मोहब्बत को छोड़ना। मुझे जानू को स्कूल से लेने जाना है। हाँ छोड़ दो मेरे हाल पर। दिल ना मिला था पहले गम से, दिल ना मिला था पहले गम से, दर्द ही दर्द है इसमें कसम से, दर्द ही दर्द है इसमें कसम से। तन्हाइयां जब सीने में उतरे, तन्हाइयां जब सीने में उतरे, रोवे अखियां सांसें उखड़े, रोवे अखियां सांसें उखड़े। दिल न मिला खाना खा लो। बात सुनो, बैठो।
शहजादी ने क्या कहा तुमसे? उसने कहा था ना कि वो मेरा इंतजार करती है, मैं उसे लेने आऊंगा। बेटियां ऐसी होती हैं जुल्फी, तुमने समझने में देर कर दी। हम तो सदियों से उन सूखे कुओं से पानी की आस लगा कर बैठे रहते हैं, जिनसे अगली सदियों में भी पानी निकलने की उम्मीद नहीं होती। उससे बहुत बड़ी गलती है, मैं नहीं करना चाहता था। दोस्त मिल गए, उन्होंने जोर दिया और मैं इनकार नहीं कर सका। लोग कहते हैं बाप बेटियों का मुहाफिज होता है, जबकि मुझे लगता है कि बेटियां भी बाप की मुहाफिज होती हैं। बुरे से बुरे मर्दों को देखा है मैंने, जब उनके घर बेटी पैदा होती है ना, तो वो सोचते हैं, खुद को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, बुराइयां छोड़ देते हैं, ताकि उनके बुरे कामों से कोई उनकी बेटी को ना पहचाने। तुमने तब नहीं सोचा तो अब सोच लो। अपनी बेटी का फखर बनोगे तो वो तुम्हारा सर कभी झुकने नहीं देगी। उसे कहो अपने बाप को माफ कर दे। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब तुमने खुद को ठीक करने का फैसला कर ही लिया है तो तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। अब जो मैं तुमसे कहूंगी तुम वो करोगे, और सबसे पहले तो तुम्हें अपनी इस गंदी आदत से छुटकारा हासिल करना होगा। मैं छोड़ दूंगा, मैं नशा नहीं करूंगा। नहीं, ऐसे नहीं, तुम्हें मेरे साथ डॉक्टर के पास जाना होगा, हम मुकम्मल इलाज कराएंगे, ठीक है ना? ठीक है। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहजादी को लेने आया हूँ मैं। कहीं नहीं जाएगी, आप जाएं यहाँ से। क्यों नहीं जाएगी, बीवी है वो मेरी। शर्म नहीं आती आपको? आपकी बेटी से छोटी है, छोड़ दो उसे, कहीं नहीं जाएगी। बीबी, निकाह हुआ है मेरा, भगा कर नहीं ले गया उसे, लाओ भेजो उसे मेरे साथ। तो खत्म कर देने का, तलाक दे दे उसे, क्योंकि मेरे होते हुए तो वो कहीं नहीं जाए। दिमाग ठीक है आपका? हैं? ठीक है दिमाग, उसकी दादी को भेजो, उससे बात करूंगा मैं। चलो, वो यहां नहीं है, और अगर होती तो भी आपको बात मुझसे करनी पड़ती, मां हूं मैं उसकी। अच्छा, लेकर तो मैं जाऊंगा, छोड़ूंगा तुम्हें। शहजादी, क्या बदतमीजी है? शहजादी चल, मेरे घर से बाहर। बुला शहजादी को। शहजादी, आवाज नहीं आ रही, मैंने कहा शराफत से मेरे घर से बाहर निकले। शहजादी, बाहर निकलो वरना। वरना क्या, क्या वरना? कीमत अदा की है उसकी मैंने, खरीदा उसको। पैसे से इंसान खरीदे जाते, शर्म नहीं आती? किस किस्म के घटिया इंसान है आप। तमीज, तमीज से बात करो मुझसे, तमीज से। निकाह किया मैंने उसके साथ, बीवी है वो मेरी, हक है मेरा उस पर। बुलाओ अपने शौहर को, उसकी मां को, आज फैसला होकर रहेगा, बुलाओ। कोई फैसला नहीं होगा, फैसला हो चुका है, वो कहीं नहीं जाएगी। आपका एक एक पैसा मैं वापस करूंगी। शहजादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दें आप। शहजादी, शहजादी, बुला शहजादी को बाहर। मैंने कहा जाओ यहाँ से। अरे बाहर ले लूंगा मैं तेरी, दबाओ मेरे को। सर लोग अच्छा नहीं कर रहे मेरे साथ, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को। क्या कर लेगा? हाँ लेने आ जा, लो चल मेरे में, चल। बता रहा हूँ तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे। चलो मुझसे पंगा बहुत करना पड़ेगा तुझे, निकल यहाँ से। मैं जा रहा हूँ, खबर दार जो खबर खत्म रखा तुम्हारा। देखता हूँ मैं तुझे, देख लेना। खबर कर, तुम जैसे मैं देखूंगा, बताता हूँ तुझे। सबर कर, बताएगा मुझे तू बेगैरत। खबर था जो कदम रखा इस घर में, टांगे तोड़ दूंगा तेरी में।
सोहेल, तेरी बीवी को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा है। तू भी कहीं मुझे निकाल तो नहीं देगा उसके कहने में आके? मैं कैसी बातें कर रही हो, तुम भी तो जानती हो वो मुंह की कैसी भी हो दिल की साफ है, और तुम्हारी तो बड़ी इज्जत करती हो। अरे जाने दे, बड़ा बीवी का हिमायती बना हुआ है, अब समझा देना उसको अच्छी तरह से कि मैं यहाँ से कहीं जाने की नहीं हूँ, मेरी इज्जत करे, आखिर माँ हूँ तेरी, मेरा भी कोई हक है। हाँ हाँ, माँ क्यों नहीं, तुम्हारा हक है, मुझ पे है, सुगो पे है, इस घर पे है, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। बस तुम टेंशन में मत आओ, मैं तुफैल हूँ, तुफैल जुल्फी नहीं हूँ मैं जो अपनी बीवी की बातों में आ जाऊँ। हाँ अरा, जुल्फी को फोन किया तूने, पूछा उससे कि माँ को इस तरह से बेइज्जत करके घर से निकालने के बाद बीवी के कलेजे में ठंड पड़ गई? अम्मा मैं क्यों बात करूं, जिसकी गलती है उसे एहसास होना चाहिए, उसे फोन करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए तुमसे। मुझे नहीं चाहिए उसकी माफी। अरे माफी मांगने से क्या मेरी इज्जत वापस आ जाएगी? और जब तक उसकी बीवी घर पर है मैंने तो उससे बात तक नहीं करनी, बस यहीं रहूंगी अब मैं आराम से। हाँ चल मेरा बच्चा, बस जा जा जाके सो जा। इधर आओ। ऐसे क्यों छुपे हो तुम? क्या बात है, क्यों डर लग रहा है तुम्हें? मुझे डर लगा कि वो मुझे मारेगा और वो मुझे यहाँ से ले जाएगा, शहजादी को भी ले जाएगा। वो है ना, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मैं हूं ना। इस तरह घबराते नहीं है, तुम तो मेरे बहादुर बच्चे हो ना। मासूर ठीक कह रही है जानू, तुमने देखा नहीं था पापा ने उन्हें कैसे मार भगाया था? मासूर भी किसी से नहीं डरती, और तुम देखना हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। थोड़ा सा तो शिकवा करने दे मुझे, अरसा हुआ तेरी गोद में आए, चली गई सुगो। तुफैल, अरे कोई है जो इस बुढ़िया को चाय पानी का पूछ ले? सुगो, अम्मा क्या हो गया, क्यों सुबह सुबह इतना चिल्ला रही हो? चिल्लाऊ नहीं तो और क्या करूं, चिल्ला चिल्ला के गला खुश्क हो गया मेरा। अरे कोई चाय पानी मिलेगा कि नहीं इस घर में? अम्मा मैं कौन सा कोई फारिग बैठी हूँ, 100 काम है करने वाले, अभी सनी को स्कूल भेज के देती हूँ चाय। स्कूल तो दुनिया के सारे बच्चे जाते हैं, तू कोई अनोखी माँ है, गूंगी बहरी तो माया नहीं हो जाती। गूंगी बहरी अभी तक तो नहीं थी, लेकिन आपकी सुबह सुबह कवालियां सुन के ना हो जाऊंगी। क्या हो गया, सुबह सुबह बिस्तर पे बैठ के आपने पूरा घर सर पे उठाया। देती हूँ चाय, थोड़ी सी देर होगी तो क्या हो गया, चाय ही है ना। ना तू ये बात कैसे कर रही है मुझसे? माँ आप भी बच्चों की तरह जिद ना करे ना, बैठ जाए यहाँ पे, यही पे ला के देती हूँ चाय आपको, पहले ही मेरा बच्चा लेट हो गया। कहाँ जा रहा है? स्कूल।
जुल्फी, जानू को स्कूल आज से मैं छोड़ जाया करूं। दिल ना मिला था पहले गम से, दिल ना मिला था पहले गम से, दर्द ही दर्द है इसमें कसम से, दर्द ही दर्द है इसमें कसम से, तन्हाइयां जब सीने में उतरे, तन्हाइयां जब सीने में उतरे, रोवे अखियां सांसें उखड़े, रोवे अखियां सांसें उखड़े, दिल ना मिला आज से स्कूल रोजा मैं छोड़ने जाऊंगा पहले हम से। दुआ करे ना अल्लाह मियाँ से, मैंने तो यही सुना है कि अल्लाह मियाँ माँ की दुआएं बहुत करीब आकर सुनते हैं। आप दुआ करें कि मुझे मिल जाए वो, नहीं तो मैं खुद को कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा। क्या बात है माँ, ऐसे लेटी हुई है, तबीयत तो ठीक है ना? अरे बेटा क्या बताऊं, उस लड़की ने तो हमें जलील करवाने की कसम उठा रखी है। गुलाम साहब का फोन आया था मुझे, बहुत गुस्से में थे, कह रहे थे शहजादी को घर ले गई है, बुला रहे हैं कि मैं आके मसला हल करूं। तो अम्मा आप भी तो उस कुटनी औरत को घर अकेले छोड़ आए, अब ये कोई तरीका ससुराल से बच्ची को घर ले आए? मैं तो कहती हूँ हम वापिस से चली जाएं, ऐसी बातें तो सयाने ही हल करते हैं ना। जरूर चली जाओ, मगर जाने का कोई फायदा हो ना, वहां कोई मेरी बात सुने तब ना, धक्के दे करके तो मुझे घर से बाहर निकाला था। अब गुलाम साहब कह रहे हैं या तो शहजादी को वापस दो या फिर मेरी रकम। नहीं, ये क्या बात हुई, यानी अब हम जेब से पैसे दे के बच्ची को तलाक कराएं? तौबा। अम्मा मैं बात करता हूँ जुल्फी। ना, कोई जरूरत नहीं है उससे बात करने की। अरे जिसने माँ का लिहाज नहीं किया वो बड़े भाई को क्या समझेगा? फिर अम्मा बात तो करनी पड़ेगी ना, इस मसले को किसी ना किसी तरह तो हल करना पड़ेगा ना भैया। ये मसला अब हमसे हल होने वाला नहीं है, मैंने भी सोच लिया है, अल्लाह की लाठी बे आवाज होती है, अब जिसने पैसे रखे हैं वही पैसे दे। अब ये पैसे आयजा के पास भी नहीं रहेंगे, वो खुद जाके देगी गुलाम साहब को और मैं यहीं रहूंगी, और मेरे मरने के बाद ना मेरी लाश ना जाए कराची, उनको मेरी शक्ल भी नहीं दिखानी है, मेरी वसीयत है ये याद रखना, लिख ले। अरे अम्मा जब कुछ करना ही नहीं था तो इतना शोर क्यों मचाया, जब सब कुछ आयजा नहीं करना है तो हम क्यों सर खपा रहे हैं? अम्मा माँ तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, और तुम्हें क्या, जो बो रहा है वही काटेगा, तुम यहाँ रहो मजे से मेरे पास। हाँ यही रहूंगी जब तक ये यहाँ रहने देगी तब, पर ना करवट करवट जन्नत नसीब करे ईदी साहब को, बना गए हैं मुझ जैसी बदनसीब के लिए जगह, चली जाऊंगी वहां रह लूंगी किसी तरह।
अच्छा अम्मा, मैं दुकान जा रहा हूँ, आता हूँ तो फिर बात करता हूँ तुमसे, ठीक है? पंखा तेज कर जाइए जाते जाते। जी जी। तो तुम ही बताओ बेटा कि मैं अपनी क्या करूँ। तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, इस तरह से बच्चियों के बसे बसाए घर को कौन खराब करता है? अगर तुम्हें मिलना था या उनको लेके आना था तो तुम गुलाम साहब से बात कर लेते ना। घर बसाने का मतलब भी नहीं पता उसे, बच्ची है वो अभी। और बात सुने खाला, आप मुझे सिखाने की कोशिश ना करें कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरी बेटी के लिए इस वक्त क्या जरूरी है। अरे भाऊ, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात हो गई? मैं तो बस ये कह रही थी कि इस उम्र में तलाक, इस उम्र में शादी हो सकती है तो तलाक क्यों नहीं? खाला, मैं आपसे बिल्कुल भी बहस में नहीं पड़ना चाहती। आप अपनी समझ के मुताबिक मुझे समझाने के लिए आई हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिसके कहने पर आप यहाँ आई हैं ना, जाकर उसे कह दें वो तलाक दे रहा है या मैं कोर्ट से रुजू करूँ। और अगर उसने उल्टा केस कर दिया धोखाधड़ी का, तो 2 लाख रुपए लिए तुम्हारी सास ने और डकार भी नहीं दिया, और तुम लड़की छोड़ने की बात कर रही हो? आखिर गुलाम साहब को भी हक तो है ना केस करने का। तो ठीक है, अपनी बच्ची की जिंदगी को बचाने के लिए मुझे हर किस्म की जिल्लत कबूल है। पैसे के बलबूते पर कोई शख्स किसी को बेइज्जत तो कर सकता है, लेकिन उसकी इज्जत नहीं खरीद सकता। सोच लो, कहीं तुम ऐसा ना पछताती रह जाओ। अरे क्या बात है गुलजार साहब, किन सोचों में घूमे? कुछ नहीं, ऐसे ही बस। अच्छा चलो, फिर खाने का वक्त हो गया। वैसे आज खाने में क्या लाए हो? नहीं, मैं कुछ नहीं लाया। क्या बात है, भाभी की तबीयत तो ठीक है? ठीक ठीक। तो फिर क्या बात है भाई, तुम तो कभी भी बाहर का खाना नहीं खाते। अब है नहीं वो, मतलब घर पे नहीं है वो, गई है तो मैके गई। अच्छा, तो ये वजह है परेशानी की? अरे गुलजार साहब, और तुम भी क्या नए शादीशुदा जोड़ों की तरह मुंह लटकाए बैठे हो? अरे ये भी क्या उम्र है इश्क करने की, और वो भी बीवी से? खैर कसूर तुम्हारा भी नहीं, इस उम्र में बीवी से इश्क हो ही जाता है। सारी जिंदगी की मेहनत की कमाई मिलने का वक्त होता है ये, पर कितनी अजीब बात है, जिन बच्चों के लिए मियाँ बीवी सारी जिंदगी एक दूसरे को नजरअंदाज करते हैं, आखिर में वही चले जाते हैं छोड़कर, और पीछे रह जाते हैं बुढ़ा बुढ़ी फिर से रोमांस करने के लिए। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इस उम्र में ही मियाँ बीवी को एक दूसरे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। खैर छोड़ो इन बातों को, चलो खाना वाना खाकर आते हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैंने नहीं खाना, तुम जाओ। सर कसूर तुम्हारा भी नहीं, इस उम्र में बीवी से इश्क हो ही जाता है, सारी जिंदगी की मेहनत की कमाई मिलने का वक्त होता है ये, पर कितनी अजीब बात है, जिन बच्चों के लिए मियाँ बीवी सारी जिंदगी एक दूसरे को नजरअंदाज करते हैं, आखिर में वही चले जाते हैं छोड़कर, और पीछे रह जाते हैं बुढ़ा बुढ़ी फिर से रोमांस करने के लिए। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इस उम्र में ही मियाँ बीवी को एक दूसरे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कहाँ तक पहुंचे वो, ये बाद में भी कर सकते हो, दिखाओ पेंसिल से कलरिंग करके सब। अभी भी नंबर बंद है मासो, पापा इतनी देर तक तो बाहर नहीं रहते, आ जाते हैं इस टाइम तक। कोई काम पड़ गया होगा बेटा, आ जाएंगे, तुम परेशान मत हो। इधर आओ, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। नहीं मासो, मुझे डर लग रहा है, पापा नहीं आए तो? क्यों नहीं आएंगे, और वो क्यों छोड़ कर जाएंगे हमें? बस आ जाएंगे बेटा थोड़ी देर में। अगर पापा नहीं आए तो गुलाम साहब आ जाएंगे, मुझे उनके घर नहीं जाना। ऐसा नहीं होगा, मुझ पर यकीन रखो, मैं तुम्हारे लिए सबसे लड़ सकती हूँ, और अगर गुलाम साहब आ भी गए ना तो कुछ नहीं कर सकते। और अब मैं तुम्हारे पापा से भी कहूंगी कि जल्दी आया करें। ये वही होगा मासो, आप दरवाजा मत खोलिएगा। हुआ भी तो बात तो करनी पड़ेगी ना, तुम बस बाहर मत आना, यहीं रुको, मैं देखती हूँ।
ये वक्त है घर आने का। जानू को स्कूल छोड़ने गए थे और अब जाके वापस आ रहे हो। बच्चे परेशान हो रहे थे। वो मैं काम। अरे क्या काम होगा तुम्हें, कर ही क्या सकते हो तुम हमें परेशान करने के अलावा। तुम्हारे बच्चों के दिल में डर बैठ गया, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ होने से वो खुद को महफूज समझते हैं। अल्लाह का वास्ता है तुम्हें, अपना तरीका बदलो, और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम घर पे रहा करो। अब खामोश रह के क्या साबित करना चाहते हो? जाओ जाके मिलो अपने बच्चों से, उन्हें एहसास दिलाओ कि तुम हो उनके सर पे, अपने होने का एहसास दिलाओ उन्हें। मेरी आज की कमाई से अब मैं रोज इतने पैसे लाया करूंगा, और बच्चों से कहना कि आते आते मुझे शाम हो जाएगी। सबका भला सोचती है, अपना कोई ख्याल है ना मेरा कोई एहसास है। पता नहीं वो मेरे साथ ये क्यों कर रही है अम्मी। बेटा वो हक पर है, अपनी खुशियों को दूसरे पे कुर्बान करना बहुत बड़ी कुर्बानी है, उसको कभी गलत मत समझना बेटा, वो उन बच्चों के लिए सब कुछ कर रही है। और मैं, मेरे लिए कभी कुछ नहीं करती, और मुझे देखो उसके घर पहुंच गया था। क्या तुम ससुराल गए थे उसके? जी अम्मी, मैं गया था उसके ससुराल उसे कहने के। क्या कहने गए थे? बेटा मैंने तुम्हें मना किया था ना कि कुछ भी हो वो अब किसी की बीवी है, उसकी मर्जी से ना सही, मगर शादी तो हुई है ना। कुछ कह ही नहीं सका उसे, उसकी हालत देख के खुद सहम गया था, वो वहां पे कभी भी खुश नहीं रह सकती अम्मी। तुमने बहुत अच्छा किया जो उससे कुछ नहीं कहा, और आइंदा भी कुछ कहने की कोशिश मत करना। इख्तियार नहीं है खुद पे मेरा अम्मी। अभी आप दुआ करें ना अल्लाह मियां से। मैंने तो यही सुना है कि अल्लाह मियाँ माँ की दुआएं बहुत करीब आकर सुनते हैं। आप दुआ करें कि मुझे मिल जाए वो, नहीं तो मैं खुद को कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा, कभी नहीं। करती हूँ दुआ, बहुत दुआएं करती हूँ बेटा, अल्लाह ताला से भीख मांगती हूँ कि जो मेरे बेटे के हक में बेहतर हो वो करना। मैं तुम्हारे लिए दुआ नहीं करूंगी तो बेटा किसके लिए करूंगी? बस तुम अपने रब को जानने की कोशिश करो बेटा, अपने रब को जानने की कोशिश करो। तुम्हारे पास राशन के पैसे कहां से आए? अम्मा ने दिए। कब? आज सुबह आई थी वो, पैसे देकर गई है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी अम्मी का फोन आया था, मैंने उठा लिया था। वो तुमसे मिले बगैर अपने भाई के घर चले गए, यही बताने के लिए फोन किया था उन्होंने। हाँ मैंने झूठ बोला, ऐसे मुझे अम्मा ने नहीं दिए, और मैंने झूठ इसलिए बोला कि क्योंकि तुम छुपा सको कि तुम्हें ये पैसे तुम्हारे यार ने दिए। क्या बकवास कर रहे हो, किस तरह के लहजे में बात कर रहे हो मुझसे?
किस लहजे में बात करो? गरीब हूं, कमाता नहीं हूं, नशा करता हूं, 100 बुराइयां हैं मुझमें, लेकिन बेगैरत नहीं हूं मैं। और ये बात उसको समझा देना, अगर घर के आसपास नजर आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आवाज मत निकलो, खामोश। चुप चुप चुप, इसको देखा, देखो चुप। ये चलती भी है और पता है ना, मार देगी तुम्हें। एक मिनट मेरी बात सुनो, चलो मेरे साथ कैंटीन चलो, कैंटीन चलो, मुझे बात करनी तुमसे। चुप।